बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेविंग एंड क्रिएटिविटी। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये छोटे छोटे से शूज़ हैं ये बनाना बताऊंगी, जिनको हम सलीम शाही जूते भी कहते हैं और इनको खुसे भी कहते हैं। ये मैंने की चेन में डालने के लिए बनाए हैं। ये देखिए कि छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं, आप देख सकते हैं ये। और इसके अलावा मैंने जो है, मैंने एक फॉमिक शीट ले ली है प्लेन वाली, और एक मैंने ग्लिटर वाली फॉमिक शीट गोल्डन कलर में ली हुई है। और मैंने इसका पैटर्न काट के पहले से रखा हुआ था। ये इसका साइज़ मैं आपको बताऊंगी अभी। ये इसका साइज़ मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर, मैंने चौड़ाई ली है इसकी। ऊपर से मैंने 3 सेंटीमीटर लिया और नीचे हील के पास से मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, और पूरा इसकी टो से लेकर हील तक के मैंने इसकी लंबाई ली है 9 सेंटीमीटर। अब मैं इसी साइज़ से इसका सोल का पीस काटूंगी। ये नीचे सोल वाला पीस है। और ये मैं इसका ऊपर वाला पीस भी अभी काटूंगी। इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कटेगा। जो ऊपर वाला पीस है इसको मैंने 1 सेंटीमीटर इससे सोल वाले पीस से मैंने इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा के ऊपर रखा हुआ है। चारों तरफ से मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा के रखूँगी। और पेन से ऐसे निशान लगा के मैं, जैसे ये छोटा वाला पैटर्न कटा हुआ है, इसी तरह से मैं ये पैटर्न भी काटूंगी। ये इसको कैंची से काट लिया मैंने इसको। अब ये जो मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा के दोनों साइडों से, चारों तरफ से मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा के रखा था, मैं इसका भी हाफ करके इस पर निशान लगा लूँगी। यानी 1/2 सेंटीमीटर पर बढ़ा के मैं निशान लगाऊँगी। अब वो छोटा वाला पीस मैंने काट लिया है उसका फॉमिक शीट का, और मैं ये बड़ा वाला पीस भी काट लिया है जो मैंने पैटर्न बनाए थे उसके साइज़ का, मैंने कटिंग कर लिया। मैं इसको शेप दे दूँगी थोड़ा सा। और इस पर भी मैं, जैसे पेपर में मैंने लगाया था 1 सेंटीमीटर वाला जो साइडों से बढ़ा के रखा था, उसका मैंने 1/2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था, मैं इस पर भी निशान लगाऊंगी ऐसे ही। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है कि इसको जो है, जब हम गोल्डन ग्लिटर वाली फॉमिक शीट पर चिपकाएंगे तो इसको मैं कटिंग कर दूँगी इसको, इसलिए निशान लगाया है मैंने। अब ये ग्लिटर वाली है शीट जिसके नीचे कागज़ चिपका हुआ होता है, वाइट कलर का ही चिपका हुआ है कागज़, मैं इसका
ये ऊपर वाले पीस का जो पैटर्न है इसका मैं ये गोल्डन वाला पीस काटूंगी, क्योंकि ये ऊपर आएगा। ये मैंने काट लिया है पीस। और ये छोटा वाला पीस भी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाना है इसको। ये इस तरह से चिपकता है कि ये जो ग्लिटर वाली शीट है उसके पीछे कागज़ लगा हुआ है, इसको हम निकालेंगे तो ये नीचे से इसका चिपकने वाली सलाहियत है इसके अंदर ना, तो इसको हम ये जो चीज़ इसमें चिपकानी हो या इस शीट को कहीं पर लगाना हो कोई डिज़ाइन काट के तो हम चिपका सकते हैं। ये मैं इस पर चिपकाऊँगी। और ये मैंने छोटा वाला जो पीस था उसका जो मैंने साइडों से कटिंग करनी थी, निशान लगाया था, वो मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको ऐसे डबल करूँगी और डबल करके इसका बीच का हिस्सा काटूँगी। ये बीच का हिस्सा वो होगा जहाँ से हम पैर डालकर जूता पहनते हैं, वो वाला हिस्सा बनेगा यहाँ से। ये मैंने निशान लगा लिया, नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ा मैंने और छोड़ के निशान लगा के और सीधी लकीर डाल दी। अब मैं इसको इस तरह से शेप दे के काटूँगी। ये देखें, ये इस तरह से बीच में ये पट्टी मैंने छोड़ दी है और साइडों से इसको गहरा करूँगी ताकि ये गोलाई की शेप आ जाए दोनों साइडों से। इस तरह से अभी मज़ीद और इसको गहरा करूँगी और ये पीछे से भी इसकी कटिंग होगी। इस तरह से मैंने काट दिया इसको और थोड़ा सा ऐसे करके तिरछा करके इसको शेप देनी होती है ताकि ये पीछे से जूते का शेप आ जाए इस तरह से। ये ऐसे इस पर चिपका दिया जाएगा। ये पेपर निकाल के, ये देखिए मैंने पेपर निकाल दिया इसका, मैं इस पर बताऊंगी कैसे चिपकेगा। आप ये देखें, ये इसके साथ चिपक गया है। और ये जो साइडों से ग्लिटर वाली शीट बड़ी हुई है इसको मैं इस तरह से कट लगा दूंगी। कट लगा दूंगी, मैंने कट लगा दिया चारों तरफ से इसको। अब ये वाली शीट को मैं इसके ऊपर रखूंगी, जो नीचे वाला सोल का पीस था उस छोटा वाला मैंने उसको इसको ऊपर रखा है। और इसमें शेप देने के लिए इसको मैंने कागज़ का छोटा सा गोला बना के ऊपर की साइड पर रखा है ताकि ये बिल्कुल चिपक ना जाए और थोड़ी सी इसकी उठी हुई शेप आए सामने की तरफ से। अब मैं इसको रख के दोनों चारों तरफ से मैं इसको दबा दबा के ये जो गोल्डन वाली शीट है इसको दबाऊंगी ताकि ये इसके साथ चिपक जाए नीचे सोल वाले पीस के साथ। इस तरह से ये चिपकता जाएगा चारों तरफ से। ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसको चिपकाना शुरू किया है। अभी इसी तरह से ये पूरा, ये देखें हील तक पूरा चिपक गया है। इसको थोड़ा दबा के चिपकाना पड़ता है ताकि प्रेस करके रखने से ये सही से दब जाता है और चिपक जाता है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये जो पीछे से हमने पीस काटा था उसको जो है ये ग्लू के ज़रिए चिपकेगा, तो मैं इसको ग्लू लगाऊंगी। मैं ग्लू के ज़रिए इसको चिपकाऊंगी। ये इस तरह से चिपक जाएगा, दबा के थोड़ी देर रखना पड़ता है इसको हील के पास से भी और सब तरफ से। ये देखें चिपक गया है। अब ये जो नीचे जो हमने ग्लिटर वाली शीट को मोड़ा हुआ है तो उसके जो नज़र आ रहा है सब, तो उसको छुपाने के लिए ये फिनिशिंग के लिए ये पीस नीचे अलग से लगेगा ताकि वो सारे निशानात जो हैं उसके छुप जाएं और सोल भी जो है मज़बूत हो जाए, डबल हो जाए। इस तरह से मैं ये
ग्लू लगाऊंगी इसके ऊपर और ये इसके ऊपर रख के चिपका दूंगी चारों तरफ से, दबा दबा के अच्छे से चिपकाना पड़ता है इसको ताकि ये चिपक जाए और मज़बूत हो जाए। और ये इसको मैं ये काट लूँगी पीस इसका, और की चेन डालने के लिए जो हुक बनाना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी ये कहाँ लगेगा। ये पीछे हील के पास मैं लगाऊंगी, अब चारों तरफ से जो ये पीस बड़ा हुआ है ये मैंने कटिंग कर ली है, जो बड़ा हुआ है इसको मैं फिनिशिंग के साथ मैं इसको देकर फिनिशिंग देकर इसको कटिंग कर लूँगी सारा ऐसे, ये बराबर से काट लूँगी और इसी जगह पर हील के पास मैं ये जो तार है मैंने छोटा सा तार लिया है एलुमिनियम का, ये इसको मैं हुक की तरह से बनाऊँगी और मोड़ के पीछे जूते की जो हमने अभी पीस लगाया है उसके अंदर रख दूँगी, रख के दोबारा से इसको दबा दूँगी ताकि ये हुक बन जाए इसका। यहाँ से हम कीचेन इसमें डालेंगे, ये देखें ये बन गया है, चिपक गया है, और ये देखें पीछे ये हुक भी ऐसे लग गया है। अब ये कीचेन इसमें मैं डालूँगी, ये ऐसे डल जाएगी कीचेन, इसको दबा के बंद कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा शूज़, और ये दोनों शूज़ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, आपको भी यकीनन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।